Hello everyone, I am from Oxford Spoken English Institute, Dosan. Today I am going to teach you about the voice. Today is our topic, voice. What is our topic today? Voice, okay? You know already that there are two types of voices. How many types of voices? You can say that, my dear, types. Types of voices. टाइप्स कितने हैं? टू टाइप्स वॉइसेज हैं, ओके? कौन कौन से हैं? बात करते हैं अपन लोग, तो बता दूं मैं आपको, फर्स्ट जो टाइप है वह है एक्टिव, एक्टिव वॉइस. कौन सा टाइप है? एक्टिव वॉइस, ओके? सेकंड जो टाइप है पैसिव वॉइस. कौन सा? पैसिव वॉइस, ओके? एक्चुअली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वॉइस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वॉइसेज. देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइसेज, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, ओके? अब मैं आपको बता दूं कि एक्टिव वॉइस को हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्तृवाच्य. क्या बोलते हैं? कर्तृवाच्य, ओके? और इसको पैसिव वॉइस को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? कर्मवाच्य, ओके? कर्तृवाच्य एंड कर्मवाच्य, ओके? अब मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई सेंटेंस जिसकी शुरुआत आपके सब्जेक्ट से होती है, ओके? जैसे मैंने लिखा, सब्जेक्ट आपके कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे सब्जेक्ट की अगर बात करें, सब्जेक्ट की, तो आपको मैं बता देता हूँ सब्जेक्ट्स, ओके? सब्जेक्ट्स होते हैं आपके, जैसे आई, वी, यू, दे, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, और वही मैम, ओके? दीज आर द सब्जेक्ट्स. ये क्या है? कोई सब्जेक्ट है, ओके? अगर सेंटेंस की शुरुआत आपके किसी सब्जेक्ट से होती है, तो इट मींस एक्टिव वॉइस का वाक्य है वो. जैसे मैंने लिखा है, सपोज दैट आई राइट, क्या लिखा मैंने? आई राइट ए स्टोरी. मैंने एक सेंटेंस लिखा है, आई राइट ए स्टोरी, ओके? तो बात करते हैं इस सेंटेंस में, तो इस सेंटेंस में आई क्या है आपका? आप देख सकते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है? आई है आपका सब्जेक्ट, ये है आपका मेन वर्ब. क्या है? मेन वर्ब. और ए स्टोरी है आपका ऑब्जेक्ट, ओके? तो जिस किसी सेंटेंस की शुरुआत आपके सब्जेक्ट से होती है, सब्जेक्ट से होती है, तो वो आपका क्या है? एक्टिव वॉइस का वाक्य है. ऐसे ही दो तीन सेंटेंस और देख सकते हैं आप लोग. जैसे मैंने लिखा है, सपोज दैट यू टेल ए स्टोरी, ठीक है? देखो, सेंटेंस की शुरुआत आपके सब्जेक्ट से हुई है. किससे हुई है? सब्जेक्ट से हुई है, ओके? यू टेल ए स्टोरी, तो ये क्या है? आपका सब्जेक्ट है, ओके? यहाँ आपकी मेन वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है? तो सेंटेंस की शुरुआत आप कह सकते हैं, जब सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है, तो आप कह सकते हैं कि वो सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है, ठीक है? अब मैं ऐसा ही कोई एक वाक्य और लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा है, सपोज दैट ए स्टोरी, मैंने लिखा है, सपोज दैट ए स्टोरी इज टोल्ड. क्या लिखा मैंने? ए स्टोरी इज टोल्ड by you. मैंने सेंटेंस लिखा है, a story is told by you. Okay? इस सेंटेंस की शुरुआत देखो आप कहाँ से हो रही है? किसी ऑब्जेक्ट से हो रही है. किससे हो रही है? ऑब्जेक्ट से. जैसे देखो, ये आपका सब्जेक्ट था, यहाँ पे आपका ये सब्जेक्ट था, तो a story आपका ऑब्जेक्ट था, a story क्या था? आपका ऑब्जेक्ट था. लेकिन मैंने इस सेंटेंस की शुरुआत आपके ऑब्जेक्ट से की है, मतलब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया है, राइट? तो ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस का वाक्य है, राइट? आप कह सकते हैं कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस इसकी शुरुआत सब्जेक्ट से होती है, मतलब आपका जो सब्जेक्ट है वह क्या होता है? मुख्य होता है, प्रधान होता है, राइट? और पैसिव वॉइस के सेंटेंस में आपका जो ऑब्जेक्ट होता है उस पर मेन फोकस होता है, ओके? तो ऐसा ही एक वाक्य और लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा, सपोज दैट ए स्टोरी वॉज टोल्ड. मैंने लिखा है, स्टोरी वॉज टोल्ड बाय हिम. आप देख सकते हैं इस सेंटेंस में भी, यहाँ पर भी आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है, राइट? ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया है. स्टोरी वॉज टोल्ड बाय हिम, समझ आई बात? तो यहाँ पर भी आपका क्या है? ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया है. तो आप कह सकते हैं यहाँ पर भी सेंटेंस की शुरुआत ऑब्जेक्ट से है, तो ये भी सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, समझ आई बात? तो सेंटेंस की शुरुआत जब सब्जेक्ट से हो तो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, और जब ऑब्जेक्ट से हो तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस. जैसे मैं एक सेंटेंस और लिखता हूं, आप मुझे बताना कि इसमें एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है या फिर पैसिव वॉइस का सेंटेंस, ओके? सपोज दैट मैंने लिखा है, शी
keeps her books. क्या लिखा मैंने? She keeps her books in a box. मैंने सेंटेंस लिखा है She keeps her books in a box. ठीक है, तो इस सेंटेंस की अपन शुरुआत देख सकते हैं सब्जेक्ट से हुई है. आई वी यू दे ही शी इट कोई नेम हो तो आपका सब्जेक्ट होता है. तो देखो यहाँ देखो आप कह सकते हैं सब्जेक्ट से हुई है. तो ये सेंटेंस भी आपका कौन सा है? एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है. कौन सा है? एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है. ओके, तो जैसे मैं इसी सेंटेंस को अगर मैं ऐसे लिखता हूं, सपोज दैट हर बुक्स, मैं लिखता हूं हर बुक्स आर केप्ट. इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिखता हूं, सपोज दैट हर बुक्स आर केप्ट, हर बुक्स आर केप्ट बाय हर इन ए बॉक्स. मान लो मैंने इस सेंटेंस को ऐसे लिखा है, तो आप देख सकते हैं इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट था वो शी था. ओके, और हर बुक्स आपका क्या था? ऑब्जेक्ट था. तो मैंने अभी इस सेंटेंस की शुरुआत किससे की है? ऑब्जेक्ट से की है. किससे की है? ऑब्जेक्ट से. तो आप कह सकते हैं इस सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले था तो ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है, और यहां देखो आप कह सकते हैं ऑब्जेक्ट से शुरुआत हुई सेंटेंस की तो ये सेंटेंस आपका क्या है? पैसिव वॉइस का सेंटेंस है. पैसिव वॉइस का सेंटेंस. ओके, समझ में आ रही बात? ओके, अब आगे चलते हैं हम लोग. मैंने अभी आपको बताया कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस कौन सा होता है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस कौन सा होता है. ओके, अभी मैं आपके सामने दो सेंटेंस लिख रहा हूं, आप बताना इसमें एक्टिव वॉइस का कौन सा है, पैसिव वॉइस का कौन सा है. ओके, जैसे सपोज दैट मैंने लिखा है दे आर प्लेइंग वॉलीबॉल. मैंने एक सेंटेंस लिखा है They are playing volleyball. तो आप मुझे बताएं कि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है या फिर पैसिव वॉइस का है. ओके, देखो देखिए अच्छे से रिप्लाई, चलो बताते हैं. ओके, इस सेंटेंस की शुरुआत कहां से हुई है? आपके सब्जेक्ट से हुई है. किससे हुई है? दे क्या है? आपका सब्जेक्ट है. ओके, दे क्या है? सब्जेक्ट है. और आर क्या है? आपकी हेल्पिंग वर्ब है. क्या है? हेल्पिंग वर्ब है. ये क्या है? आपका मैन वर्ब है. ओके, और वॉलीबॉल क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट. ओके, ऑब्जेक्ट है. तो बताओ मुझे सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से हुई है या ऑब्जेक्ट से? तो हम कह सकते हैं सब्जेक्ट से हुई है. आई वी यू दे ही शी इट कोई नेम सब्जेक्ट से हुई है. तो आपका ये जो वाक्य है वो किसका है? एक्टिव वॉइस का वाक्य है. किसका है? एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है. ओके, ठीक है. अब जैसे इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिखता हूं, सपोज दैट वॉलीबॉल इज बीइंग प्लेड बाय देम. सपोज दैट मैंने इस सेंटेंस को ऐसे लिखा है. क्या लिखा मैंने? वॉलीबॉल इज बीइंग प्लेड बाय देम. तो आप मुझे बताओ ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है या पैसिव वॉइस का? तो हम देख सकते हैं यहां पे देखो वॉलीबॉल क्या था? ऑब्जेक्ट था. वॉलीबॉल क्या था? ऑब्जेक्ट था. तो इस सेंटेंस की शुरुआत मैंने आपके ऑब्जेक्ट से की है, समझे बात? तो मैंने ऑब्जेक्ट को यहां पर सब्जेक्ट बनाया है, तो ऑब्जेक्ट से इसकी शुरुआत हो रही है. तो आप कह सकते हैं ये सेंटेंस किसका है? आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस है. तो ये बात आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस पहचानने के लिए सीधी सी बात यह है कि अगर सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है तो एक्टिव वॉइस का वाक्य, और अगर आपकी किसी सेंटेंस के ऑब्जेक्ट से शुरुआत हो रही है तो आप कह सकते हो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है. अब हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज. क्या सीखेंगे? TYPES, टाइप्स ऑफ सेंटेंस. आप कह सकते हैं सेंटेंस के प्रकार. क्या सीखेंगे हम? सेंटेंस के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं? ओके, तो हम कह सकते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस मतलब सेंटेंस के प्रकार कितने होते हैं, आपको बता दें 5. सेंटेंस कितने होते हैं? 5. ठीक है, अगर फर्स्ट सेंटेंस की बात करें तो हम लिखेंगे असर्टिव सेंटेंस. कौन सा सेंटेंस? असर्टिव सेंटेंस. ओके, पहला सेंटेंस कौन सा है हमारा? असर्टिव सेंटेंस. ओके, असर्टिव सेंटेंस की बात करें तो असर्टिव सेंटेंस 2 टाइप्स का होता है, समझे बात? तो 2 टाइप्स अपन पहले बात करते हैं. तो 2 टाइप्स वो है कौन कौन से? पहला है आपका असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस. कौन सा सेंटेंस? अफर्मेटिव सेंटेंस. अगर सेकंड सेंटेंस की बात करते हैं तो सेकंड सेंटेंस है हमारा नेगेटिव सेंटेंस. ओके, तो असर्टिव सेंटेंस कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का. फर्स्ट आपका अफर्मेटिव सेंटेंस एंड सेकंड है आपका नेगेटिव सेंटेंस. और सेकंड सेंटेंस की अगर बात करें तो सेकंड सेंटेंस है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस. कौन सा सेंटेंस? इंटरोगेटिव सेंटेंस. ओके, इंटरोगेटिव सेंटेंस. ओके,
अगर थर्ड सेंटेंस की बात करते हैं हम लोग, तो थर्ड सेंटेंस हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। कौन सा? इंपेरेटिव सेंटेंस। ओके, इंपेरेटिव सेंटेंस। अगर फोर्थ सेंटेंस की बात करते हैं तो फोर्थ सेंटेंस आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कौन सा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और फिफ्थ सेंटेंस की बात करते हैं तो वह है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस। ओके, समझ में आएगा। ये है आपके फाइव टाइप्स ऑफ सेंटेंस। आप कह सकते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कितने हैं? टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस फाइव है। ओके, फर्स्ट सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस, जो टू टाइप्स का है, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। सेकंड जो सेंटेंस है वो है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। और थर्ड जो सेंटेंस है हमारा वो क्या है? आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। और फोर्थ सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और फिफ्थ आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ये है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ओके, जो आपको अच्छे से तैयार करने हैं। स्टूडेंट्स, अब हम सीखेंगे असर्टिव सेंटेंस के फ्रेज यूज कैसे बनाएं। तो जैसे मैंने लिखा है असर्टिव सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस। ओके, इसके फ्रेज यूज कैसे बनाएं, समझ आई बात? तो मैंने बताया आपको असर्टिव सेंटेंस टू टाइप्स का होता है, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, समझ आई बात? जैसे इसमें सेंटेंस किस प्रकार के होते हैं मैं लिखता हूं एक बार सेंटेंस। जैसे सपोज दैट मैंने पहला फर्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा है, सपोज दैट कि He speaks English very well. मैं लिखा है कि he speaks English very well. तो आपका assertive sentence का, affirmative sentence का आपका क्या ये example है? Suppose that एक sentence मैंने और लिखा है, जैसे suppose that मैंने लिखा है she doesn't क्या लिखा मैंने? She doesn't post a letter. क्या लिखा मैंने? She doesn't post a letter. तो आपके assertive sentence का negative sentence है। क्यों? क्योंकि not का use हुआ है। Okay? तो she doesn't post a letter. ठीक है? Does plus not क्या लिखा मैंने? Does plus not क्या बनता है आपका? Doesn't बनता है। Doesn't. तो ये क्या है? Doesn't है. Okay? Does plus not क्या बनता है? Doesn't. तो मैं लिखा she doesn't post a letter. तो देखो आपको आपके असर्टिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस का वाक्य है। ओके, जैसे सेंटेंस मैंने लिखा है, सपोज दैट मैं लिख रहा हूं कि राहुल, मैंने लिखा है कि राहुल, क्या लिखा मैंने? राहुल इज सिंगिंग। क्या लिखा मैंने? राहुल इज सिंगिंग ए सॉन्ग। तो आप देख सकते हैं आपका ये जो सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है, असर्टिव सेंटेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। जैसे ऐसे ही एक बार एक एग्जांपल और लेते हैं, सपोज दैट मैंने लिखा है कि मिस्टर रवि, क्या लिखा मैंने? मिस्टर रवि, मैं लिख रहा हूं सपोज दैट मिस्टर रवि इज नॉट ड्राइविंग ए कार। मैंने लिखा मिस्टर रवि इज नॉट ड्राइविंग ए कार। तो देखो आप देख सकते हैं आपके इसमें नॉट का यूज हुआ है, तो इसका मतलब असर्टिव सेंटेंस का ये नेगेटिव सेंटेंस का वाक्य है। ऐसा ही एक वाक्य और ले लेते हैं अपन लोग, सपोज दैट मैंने लिखा है शी विल, क्या लिखा मैंने? शी विल टीच, क्या लिखा मैंने? शी विल टीच यू टुमारो, मैंने लिखा शी विल टीच यू टुमारो। तो आप कह सकते हैं ये भी आपका असर्टिव सेंटेंस का क्या है? अफर्मेटिव का सेंटेंस है। ओके, तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उनके हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएं, या फिर आप कह सकते हैं कि असर्टिव सेंटेंस में हम पैसिव वॉइस बनाएं कैसे उन वाक्यों के, राइट? तो उन वाक्यों के आपको अगर पैसिव वॉइस बनाने हैं तो मैं आपको बता दूं, आपको पांच गोल्डन रूल्स में आप लोगों को बताऊंगा, फाइव गोल्डन रूल्स की हेल्प से हम इनके इजी वे में पैसिव वॉइस बना सकते हैं, समझ आई बात? ठीक है, चलो इनको तो मैं रफ करता हूं, फिर उसके बाद हम आगे लिखते हैं। अब असर्टिव सेंटेंस के जो पैसिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस जब ट्रांसलेट करेंगे हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, उनको बनाने के लिए हम क्या बना रहे हैं? रूल्स। कितने रूल्स? ओके, तो रूल्स कितने हैं? रूल्स में आपको बता दूं फाइव रूल्स हैं, इनको आपको तैयार करना है। ठीक है, किसी भी सेंटेंस को अगर आप पैसिव वॉइस में बनाना हो तो आपको फाइव रूल्स को तैयार करना है। ओके, असर्टिव सेंटेंस में फाइव रूल्स आपको तैयार करना है। तो फर्स्ट रूल की अगर हम बात करते हैं तो क्या करेंगे, आपका जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है क्या है? एक्टिव वॉइस। क्या लिखा मैंने? एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट। क्या लिखा मैंने? एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को, क्या लिखा मैंने? एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस। क्या लिखा मैंने? एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस बनाते समय
बनाते समय क्या लिखा है, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस बनाते समय, ठीक है, शुरू में लिख दिया जाता है, क्या लिखा मैंने, शुरू में लिख दिया जाता है जिससे वह पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट एसयूबी शॉर्ट में लिखा मैंने सब्जेक्ट बन जाता है, ओके सब्जेक्ट बन जाता है, या फिर आप कह सकते हैं शॉर्ट में, वैसे बड़ा अगर मैंने लिखा तो मैंने क्या लिखा है, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस बनाते समय शुरू में लिख दिया जाता है जिससे वह पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है, ओके। आप अगर शॉर्ट में अगर बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, फर्स्ट रूल क्या हमारा, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। आप कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है किसी भी सेंटेंस का, जैसे सपोज मैंने यहां पे एक सेंटेंस लिख रखा है, मैंने लिखा है कि आई राइट ए लेटर, ये मान लो कि एक सेंटेंस है, सपोज है यहां पे एक वाक्य है आई राइट ए लेटर, ठीक है, तो यहां पे ये सब्जेक्ट है, ये आपका मेन वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस बनाते समय हमें क्या करना है, पैसिव वॉइस बनाते समय एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसको शुरू में लिख दिया जाता है, मान लो ये क्या आपका ए ए वी बोले तो एक्टिव वॉइस का वाक्य है, ओके। तो हमें पैसिव वॉइस बनाते समय इसका ऑब्जेक्ट पहले लिख देंगे तो क्या लिख देंगे, ए लेटर, क्या लिखा मैंने, ए लेटर, तो हमारा फर्स्ट रूल यहां पे क्लियर हो जाता है, तो आई राइट ए लेटर का ऑब्जेक्ट है आपका है ए लेटर, क्या लिखा हुआ, ए लेटर। पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले हमें क्या करना है, आपके ऑब्जेक्ट को उठाकर शुरू में लिखना है, तो ठीक हमारा फर्स्ट रूल क्लियर है, तो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, ओके। हमारा सेकंड रूल है चेंजेज इन टेंस, क्या करना है, हमारा सेकंड रूल क्या है, चेंजेज इन टेंस, चेंजेज इन टेंस, या फिर आप कह सकते हैं टेंस में परिवर्तन करो, क्या करना है, टेंस में परिवर्तन करना है, ओके। अब टेंस में परिवर्तन कैसे करना है आपको मैं बता दूं, अगर आपके पास एक्टिव वॉइस का सेंटेंस अभी किसी भी सेंट वाक्य लिख रखा है, मैंने ये जो मेन वर्ब की फर्स्ट को आई है यहाँ पे, ये प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है, कौन सा वाक्य है, प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है, ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से हमें कौन कौन से टेंस को किस कौन कौन से टेंस में चेंज करना है, तो वो रूल मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, समझे पर, तो चेंजेज इन टेंस अगर बात करें अपन कि प्रेजेंट सिंपल का, मैंने लिखा सपोज दैट अगर आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का हो, किसका हो, प्रेजेंट सिंपल का, मैं लिख रहा हूँ कि अगर आपके पास एक्टिव वॉइस का वाक्य जो है प्रेजेंट सिंपल का हो, तो प्रेजेंट सिंपल का हो तो आप किसमें चेंज करेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में चेंज करेंगे। अगर आपके पास एक्टिव वॉइस का सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का हो तो उसमें आप पैसिव वॉइस बनाते समय प्रेजेंट कंटीन्यूअस में चेंज करेंगे, समझे बात, या आप कह सकते हैं प्रेजेंट सिंपल की हेल्प को अब आपके पास क्या है, डू या डज है, सपोज है अगर आपके पास प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब डू या डज है, या फिर आप कह सकते हैं आपके पास सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, या फिर आप कह सकते हैं एस या ईएस है, तो वो आपका सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का है, और प्रेजेंट सिंपल को हमें चेंज करना है प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है हमारी ईच एम एंड आर, समझाइए बात, कहने का मतलब ये कि अगर जिस किसी सेंटेंस में आप लोग डू या डच या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर एस या ईएस देखते हैं तो श्योर मान लेना वो वाक्य कौन सा है प्रेजेंट सिंपल का है, समझे बात, और वहां पे पैसिव वॉइस बनाते समय आपका जो सेकंड रूल है चेंजेज इन टेंस वहां पे ईच एम आर में से आएगा, जैसे ये लिख रखा है आई राइट ए लेटर राइट, तो ये प्रेजेंट सिंपल का है, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, आप कह सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है राइट, तो प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है कौन सा वाक्य है प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है, समझे, प्रेजेंट सिंपल को हम चेंज करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब की अगर बात करें तो वो है आपका ईच एम आर, ठीक है, और इज आएगा एम आएगा या फिर आर आएगा वो तय करेगा आपका यहाँ आने वाला सब्जेक्ट जिसको आपने ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाया, अगर सिंगुलर है तब तो इज आ जाएगा, क्या आ जाएगा इज, तो मैंने क्या लिखा है आई राइट ए लेटर आपका क्या है सेंटेंस है आपका एक्टिव वॉइस का, आपने लिखा है ए लेटर इज, तो चेंजेज इन टेंस आपका सेकंड रूल इस प्रकार से कहता है, अगर प्रेजेंट सिंपल हो तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में चेंज कर दो, ठीक है, अगर आपके पास में एक्टिव वॉइस का सेंटेंस सपोज करो प्रेजेंट कंटीन्यूअस है ऑलरेडी, या आप कह सकते हैं इज एम एंड आर आया आपके पास, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस भी क्या है इच एम आर आया है, तो आप क्या करेंगे इसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस को हमेशा प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ही चेंज करते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को हमेशा प्रेजेंट कंटीन्यूअस में चेंज करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं इच एम आर अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में है तो वापस उसको इच एम और आर में ही चेंज करते हैं, बस शर्त ही होती है कि उसमें आप बी को लगा दो, क्या लगा दो बी, इज एम आर आ जाए तो उसको वापस इज एम आर में चेंज करना है,
और आपके सब्जेक्ट के अनुसार इजेमार लगाकर आपको बीइंग और लगाना है। क्या लगाना है? बीइंग और लगाना है। तो डियर मैंने आपको बताया है, टू रूल्स में आपको बता चुका हूं, ठीक है। अगर फर्स्ट रूल की बात करें तो मैंने क्या बताया आपको, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, ठीक है। शॉर्ट में लिख देता हूं, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, सब्जेक्ट बनाओ। सबसे पहला रूल हमने ये किया, और सेकंड रूल हमारा चल रहा था, सेकंड रूल हमारा अभी भी चल रहा है। आपको बता दूं चेंजेस इन टेंस क्या होता है, मैंने आपको चेंजेस इन टेंस, ओके, चेंजेस इन टेंस, ठीक है। इसमें मैंने फर्स्ट आपको बताया है कि प्रेजेंट सिंपल को किस में चेंज करते हैं, प्रेजेंट सिंपल को मैंने आपको बताया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करते हैं, ओके। अगर सेकंड की बात करें तो मैंने बताया आपको कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अगर ऑलरेडी हो आपके पास एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो ऑलरेडी, तो आप किस में चेंज करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही चेंज करेंगे। मतलब इज एम आर को इज एम आर में चेंज करेंगे, बस फर्क ये रहेगा बीइंग लगा लेंगे। मतलब आप कह सकते हैं ईच एम और आर अगर आपके पास में आते हैं एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आप वापस ईच एम आर लगाएंगे, ठीक है, आपके सब्जेक्ट के अनुसार, और प्लस क्या लगा देंगे आप बीइंग लगा देंगे। क्लियर, इतनी बात क्लियर हो गई थी। अब आगे बात करते हैं अपने थर्ड, सॉरी अपने अगले टेंस, कौन सा टेंस किस पे चेंज होता है। तो अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, मान लो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस में, अगर आपके पास एक्टिव वॉइस का सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में हो, इसमें हो प्रेजेंट परफेक्ट में, या फिर आप कह सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पफुल क्या होती है, हैज और हैव, क्या होती है, हैज और हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यही होती है ना आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट। अगर आपके पास एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आ जाए, या आप कह सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपके सामने एक्टिव वॉइस में, तो आप क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट को आप चेंज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। तो जिसमें आप चेंज करना है वो हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, हैज और हैव में, तो चेंज करना ही करना है, प्लस बी लगाना है। मतलब आप कह सकते हैं अगर आपके सामने एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आ गया जिसमें है आपके पास हैज और हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आप क्या कर देंगे, हैज और हैव प्लस बी लगा देंगे। आप कह सकते हैं हैज बीन और हैव बीन में इसको चेंज कर देंगे, है ना, हैज और हैव किस में चेंज कर देंगे, हैज बीन और हैव बीन में इसको चेंज कर देंगे, ठीक है, समझ आई बात। फिर आगे मान लो कि आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य आ गया, मान लो कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य आ गया एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में, या आप कह सकते हैं कि आपके पास में ऑलरेडी हैज बीन और हैव बीन आ गया, क्या आ गया, हैज बीन और हैव बीन ऑलरेडी आ गया एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में, तो आप क्या करेंगे, तो आपको यही करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना वो नो चेंज होता है, ओके, नो चेंज। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस क्या होता है, नो चेंज होता है। तो प्रेजेंट के सारे वाक्य मैंने बता दिया इसमें क्या चेंज होता है, प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होता है, ओके, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही चेंज होता है, बी लग जाती है, ओके, और प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को नो चेंज लिखेंगे। फिर आगे बात करते हैं पास्ट की, ओके, मान लो कि आपके पास में एक्टिव वॉइस का सेंटेंस पास्ट सिंपल में आ गया, इसमें आ गया पास्ट सिंपल में, मान लो कि आपके पास एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है वो पास्ट सिंपल टेंस में आ गया, या कह सकते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म में या फिर डिड में, इन दोनों में से कोई एक में आ गया सपोज है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पास्ट सिंपल को चेंज करेंगे आप लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, इसमें चेंज करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड में अगर आपका वाक्य है तो आप किसमें चेंज करेंगे, वॉच और वर्ब में इसको चेंज कर देंगे, समझ आ रही बात। फिर उसके बाद में मान लो ऑलरेडी आपके पास में वॉच वर्ब आ गया, तो या आप कह सकते हैं ऑलरेडी आपके पास पास्ट पास्ट कंटीन्यूअस आ गया, तो है ना पास्ट कंटीन्यूअस आ गया आपके पास एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में, तो आप क्या करेंगे, तो आपको ये करना है कि पास्ट कंटीन्यूअस को प्रेजेंट कंटीन्यूअस की तरह, पास्ट कंटीन्यूअस को भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस की तरह चेंज करना है, जैसे इज एम आर को इज एम आर में चेंज किया था बीइंग लगा था, उसी प्रकार से वॉच वर्ब को भी वॉच वर्ब में ही चेंज करेंगे, वॉच और वर्ब में ही चेंज करेंगे, फर्क रहेगा बीइंग का, बीइंग तो मेरा बनाया लगा है, समझ आई बात। फिर उसके बाद में है आपके पास में कि मान लो कि पास्ट परफेक्ट का वाक्य आ गया, तो एक्टिव वॉइस में जैसे आप कह सकते हैं कि हैड प्लस बी थ्री आ गया, तो आप क्या करेंगे, तो पास्ट परफेक्ट को चेंज करेंगे हम, इसमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देंगे, मतलब हैड प्लस बी थ्री को हम चेंज करेंगे हैड बीन में, इसमें हैड बीन में चेंज कर देंगे, समझ आई बात। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं कि अगर आपके पास में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य आ गया, तो या फिर आप कह सकते हैं कि हैड बीन
क्या कह सकते हैं, हैड बीन आ गया तो आपके पास में, तो हम करेंगे इसको क्या लिखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की तरह क्या लिखेंगे, नॉट एज लिखेंगे। समझ आई बात? ओके, तो जो मैंने ये जो टेंस लिखे हैं प्रेजेंट की तरह लिखे हैं, ठीक प्रेजेंट की तरह। ओके, जैसे प्रेजेंट सिंपल था ठीक उसी प्रकार से पास्ट सिंपल है, तो प्रेजेंट सिंपल को मैंने चेंज किया था प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, ठीक उसी प्रकार से पास्ट सिंपल को पास्ट कंटीन्यूअस में। समझ आई बात? अगर पास्ट कंटीन्यूअस यहां पे ठीक उसी प्रकार से प्रेजेंट कंटीन्यूअस वहां पे था, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को प्रेजेंट कंटीन्यूअस में चेंज किया था, तो यहां पे पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नो चेंज। मतलब प्रेजेंट और पास्ट दोनों इक्वल है, कोई चेंजेस नहीं है, राइट। अब हम आगे चलते हैं, अगर फ्यूचर का वाक्य आ गया तो आपके पास, तो आप क्या करेंगे? ओके, सपोज करो कि आपके पास में कि एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है वो किस में आ गया, आपके पास फ्यूचर सिंपल में आ गया। मान लो कि आपके पास में फ्यूचर सिंपल आ गया, तो एक्टिव वॉइस में फ्यूचर सिंपल, कौन सा टेंस? फ्यूचर सिंपल। यदि आप कह सकते हैं अगर आपके पास में एक्टिव वॉइस में सेल और विल आ गया तो आप क्या करेंगे, तब आपको ये करना है फ्यूचर सिंपल को आपको चेंज करना है फ्यूचर कंटीन्यूअस में चेंज करना है। मतलब फ्यूचर सिंपल को आपको फ्यूचर कंटीन्यूअस में चेंज करना है, सेल और विल को आपको चेंज करना है इसमें सेल बी और विल बी में चेंज करना है ना, सेल और विल को चेंज करना है, सेल बी और विल बी में चेंज करना है। ओके, आगे चलें, फिर उसके बाद में बात करते हैं फ्यूचर, मतलब फ्यूचर सिंपल को चेंज करना है फ्यूचर कंटीन्यूअस में। और फिर मान लो आपके पास ऑलरेडी फ्यूचर कंटीन्यूअस आ गया, तो या फिर आप कह सकते हैं कि सेल बी और विल बी अगर आपके पास एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में आ गया तो आप क्या करेंगे, तब आप लिखेंगे इसको नो चेंज। क्या लिखेंगे? नो चेंज। समझ आपके पास? उसके बाद में बात करते हैं अगर आपके पास फ्यूचर परफेक्ट आ गया तो सेंटेंस में, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में अगर फ्यूचर परफेक्ट आया तब हम क्या करेंगे, मतलब आप कह सकते हैं कि अगर आपके पास में सेल है एंड विल है, अगर आपके पास है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में, तो हम क्या करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट को चेंज करेंगे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। मतलब फ्यूचर परफेक्ट को चेंज करेंगे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज, इसको सेल है विल है हमको चेंज कर देंगे हम शेल हैव, सेल हैव या फिर विल हैव, सेल हैव या फिर विल हैव प्लस बीन, क्या लग जाएगा प्लस बीन। तो आप कह सकते हैं सेल है ओवी या फिर विल है ओवी, तो इसको हम चेंज कर देंगे है ना फ्यूचर परफेक्ट को। अगर मान लो ऑलरेडी आपके पास में फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस अगर ऑलरेडी आपके पास एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में आ गया तो इसको हम क्या लिखेंगे, नो चेंज। क्या लिखेंगे? नो चेंज। ओके, बात समझ में आ रही है? चलो तो डियर आपको समझ में आ रहा है बात है, ठीक है। जैसे प्रेजेंट और पास्ट को चेंज किया था ठीक उसी प्रकार से फ्यूचर सिंपल को फ्यूचर कंटीन्यूअस में चेंज करना है, फ्यूचर कंटीन्यूअस नो चेंज होता है, और फ्यूचर परफेक्ट को फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में, और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस नो चेंज। अब देखते हैं कि कौन कौन से टेंस है जो चेंज नहीं होते एक्टिव वॉइस में। ओके, तो अब हम क्या लिखेंगे, कौन कौन से टेंस है जो आपके पैसिव वॉइस बनाते समय चेंज नहीं होते हैं, वह उनकी बेसिक ही वैसी रहती है, ठीक है। तो क्या लिखना है, नो चेंज इन टेंसेस। ओके, नो चेंजेस टेंसेस, नो चेंजेस टेंसेस, ठीक है, नो चेंजेस टेंस लिख सकते हैं। कौन कौन से टेंस है जिनमें कोई चेंज नहीं होता है? जैसे पहला है आपका एक तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, क्या है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का अगर आपके पास की वर्क है तो वो कभी चेंज नहीं होगा। ओके, फिर अगला है हमारे पास में पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस चेंज, ये भी दो चेंज होता है। फिर बात करते हैं फ्यूचर की, तो फ्यूचर में आपका दो टेंस तो चेंज नहीं होते हैं, फ्यूचर कंटीन्यूअस नो चेंज। फिर अगला है अपने पास फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नो चेंज। तो चार टेंसेस ये हैं जो कभी भी चेंज नहीं होते हैं। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा ये बात। फर्स्ट टूल हमने कंप्लीट कर लिया, फर्स्ट टूल हमारा था कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। सेकंड टूल था हमारा चेंजेस इन टेंस, मतलब टेंस में कैसे चेंज करें, राइट, वो हमने बता दिया है। और अगर बात करते हैं थर्ड रूल की, तो मैं आपको बता दूं थर्ड रूल कौन सा है। ओके, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग रूल की। ओके, थर्ड रूल की अगर बात करें तो थर्ड रूल है आपका कौन सा कि वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, क्या आती है, मैन वो, क्या लिखा मैंने, मैन वर्ब की थर्ड, क्या लिखा मैंने, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ,
मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। समझ आएगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, समझ आएगा। जैसे हमारे पास वाक्य था, जैसे मैं आपको फिर से बताया तो हमारे पास सेंटेंस क्या था, आई राइट ए लेटर, सेंटेंस ये था ना हमारे पास, आई राइट ए लेटर सेंटेंस ये था। तो पहला एलिमेंट था आपका ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, तो हमने कर दिया था ए लेटर, क्या लिख दिया था हमने ए लेटर। फिर सेकंड एलिमेंट था टेंस में चेंज करो, तो देखो यहां प्रेजेंट सिंपल है, चेंज किया था हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की एडिटिव होती है इच एम आर, तो ये है आपका सिंगुलर, तो हमने लगा दिया था इच। ये दो रूल मैंने आपको बता दिए थे। थर्ड रूल आपका मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, तो राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन, क्या होती है रिटन, राइट रॉट रिटन। तो थर्ड रूल क्या हो गया आपका, थर्ड रूल लगाओ, थर्ड रूल क्या कहता है थर्ड फॉर्म लगाओ, हमने क्या लिखा है लेटर इच राइट की थर्ड फॉर्म रिटन। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हमारा फोर्थ रूल की अगर बात करें, फोर्थ रूल हमारा क्या कहता है, ओके फोर्थ रूल हमारा ये है, फोर्थ रूल ये कहता है कि आप बाय का लगाओ, क्या लगाएं बाय का यूज करो, बाय वर्ड का यूज करो, क्या करना है हमें बाय वर्ड का यूज करो, बाय वर्ड का यूज करो, ओके। तो बाय वर्ड का यूज करते हैं, तो यहां पे हम लगा देते हैं बाय, ये हमारा फोर्थ रूल कहता है। समझे बात, फोर्थ रूल हमारा ये कहता है कि बाय लगाओ। फिफ्थ रूल की अगर बात करें तो क्या कहता है कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को क्या लिख रहे हैं हम, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, जैसे ये सब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, क्या लिखो एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, ठीक है एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, समझ रहे हो। तो हमारा सब्जेक्ट है आई, क्या है आई, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है मी, क्या होता है मी। तो देखो ये हमारे फाइव रूल्स है, रूल्स हमारे कितने हैं फाइव, ठीक है। तो फाइव रूल्स हमारे ये हैं, पहला हमारा रूल क्या था ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, तो देखो ये ऑब्जेक्ट था इसको हमने सब्जेक्ट बना दिया। फिर सेकंड रूल हमारा ये कहता है कि चेंजेज इन टेंस, तो टेंस में परिवर्तन किया हमने। फिर थर्ड रूल हमारा ये कहता है, थर्ड रूल के थर्ड फॉर्म लगाओ, तो राइट थर्ड फॉर्म हमने लगा दी रिटर्न। फिर फोर्थ रूल हमारा कहता है बाय लगाओ, तो हमने बाय लगाया, कोई दिक्कत नहीं है बाय लग गया। फिर फिफ्थ रूल कहता है आपने एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करो, तो आपका आई का जो ऑब्जेक्ट होता है क्या होता है मी होता है, ठीक है। अब हम क्या सीखेंगे, अब हम सीखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट का कौन कौन सा ऑब्जेक्ट होता है, ओके। अब हम डियर स्टूडेंट्स क्या सीखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट का कौन सा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट लिखो उसके कौन कौन से रूप होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा एक बार, तो पहले सब्जेक्ट, क्या लिखा मैंने सब्जेक्ट, फिर मैं लिख रहा हूं अभी क्या वर्ड लिखा मैंने पॉजेसिव एडजेक्टिव, क्या लिखा मैंने पॉजेसिव एडजेक्टिव, ओके। फिर मैंने लिखा है आपका पॉजेसिव प्रोनाउन, क्या लिखा है पॉजेसिव प्रोनाउन, ओके। फिर मैंने सपोज दैट लिखा है यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट, जो हमें नीड है, इसी की हमें जरूरत है, ठीक है। अब मैं आगे वर्ड जो लिखना हुआ है आपका रिफ्लेक्सिव, या फिर आप कह सकते हैं इंफेटिक, क्या कह सकते हैं इंफेटिक, रिफ्लेक्सिव या रिफ्लेक्सिव या फिर इंफेटिक, ठीक है। जैसे कोई भी सब्जेक्ट लिखो, जैसे मैंने लिखा है आई, आपको पता होना चाहिए कि आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, तो आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है माई। पॉजिटिव प्रोनाउन की बात करें तो आई का क्या बन जाता है माइन, आई माई माइन, ओके। फिर अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट क्या होता है मी। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि हमें एक्चुअल में जो नीड है ना, हमें किस चीज की जरूरत है अभी, आपका जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसी चीज की अभी जरूरत है पैसिव वॉइस में, बाय द वे, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको सारे सब्जेक्ट के एडजेक्टिव क्या होता है, पॉजिटिव प्रोनाउन क्या बनता है उसका, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, रिफ्लेक्सिव क्या बनता है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आई माई, तो आई के रूप देखो आप, आई के कौन कौन से रूप बन सकते हैं, राइट, आई का माई भी बन सकता है, माइन भी बन सकता है, मी भी बन सकता है, और इसका आपके इंफिनिटिव की बात करें तो क्या बनता है मायसेल्फ, रिफ्लेक्सिव इंफिनिटिव की बात करें तो क्या बनता है मायसेल्फ, आई माई माई मी मायसेल्फ, ओके। मैं बात करता हूँ वी की, तो वी का क्या बन जाएगा, वी का आवर बन जाएगा, और इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव बन जाएगा आवर, और पॉजिटिव प्रोनाउंस की बात करें तो क्या बन जाएगा आवर्स, ठीक है। और फिर बात करें तो क्या बन जाएगा अस, और इसका प्लूरल सब्जेक्ट है ये, तो क्या बन जाएगा आवर सेल्फ। देखो जिसके लास्ट में सेल्फ लगा हुआ है ना, वो सिंगुलर वर्ड में यूज हुआ है, और जिसके लास्ट में सेल्वेज लगा हुआ है वो इट मींस वह प्लूरल का सेंस दे रहा है, ओके। तो आई वी की बात करते हैं, यू की, तो यू का क्या बन जाता है योर, क्या बन जाता है योर, और बात करते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन की, तो इसका क्या बन जाता है योर्स, ठीक है। और बात करते हैं ऑब्जेक्ट की, और हमें जरूरत किसकी है ऑब्जेक्ट की, यू अगर सब्जेक्ट है तो हमें क्या लिखना होता है बाय यू, क्या लिखना होता है बाय यू, अगर आई सब्जेक्ट है तो हमें क्या लिखना होता है बाय मी, अगर वी है तो बाय अस, समझ में आ रही बात।
तो यू योर योर्स यू और फिर क्या हो जाएगा आपका योर सेल्फ। कभी कभी ये प्लूरल भी होता है तो प्लूरल सेंस में क्या हो जाएगा योर सेल्फ। समझ में आई बात? तो आई वी यू फिर बात करते हैं दे की, किसकी बात करते हैं तो देयर का क्या बन जाएगा देयर, क्या बन जाएगा देयर। और बात करें यहाँ पे तो क्या बन जाएगा देयर्स, और यहाँ बात करें तो क्या बन जाएगा आपका देम। और यहाँ प्लूरल सेंस दे रहा है तो क्या बन जाएगा प्लूरल में देमसेल्वेज, क्या बन जाएगा देमसेल्वेज। ओके प्लूरल सेंस में ये बनता है ओके देमसेल्वेज। ठीक है अब बात कर रहे हैं आई वी यू दे हो चुका है, उसके बाद में बात करते हैं आपका सब्जेक्ट है मान लो ही, सब्जेक्ट आपके पास में क्या है ही, तो ही का क्या बन जाएगा हिज़, क्या बन जाएगा हिज़। फिर यहाँ पर भी क्या लिखेंगे हिज़, ओके। और आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत है तो मान लो किसी सेंटेंस में सपोज दैट सब्जेक्ट आपका ही आया है तो उसका ऑब्जेक्ट हम क्या लिखेंगे हिम। ठीक है और सिंगुलर सेंस दे रहा है, सिंगुलर के सेंस में हम क्या लिखते हैं हिमसेल्फ, क्या लिखते हैं हिमसेल्फ। अगर बात करें सी सब्जेक्ट की तो सी का क्या लिखेंगे हम लोग हर। ठीक है फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे हर्ष, और फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर हम क्या लिखेंगे हर। ठीक है तो क्या लिख जाएंगे सी हर हर्ष और हर, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे हर सेल्फ, क्या लिख देंगे हर सेल्फ। पोच क्या बनाया है एक टेबल बनाई है आपके सामने। ठीक है कि आई के कौन कौन से सेंस में होता है, आई आप मतलब सारे सब्जेक्ट कौन कौन से सेंस में होते हैं। हम बात करते हैं आपके सब्जेक्ट की, जैसे फर्स्ट है आई, आई का सेंस एक और क्या है दूसरा कौन सा बन सकता है, आई का माइंड बन सकता है जिसको पॉजिटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। पॉजिटिव प्रोनाउन में आपका माइंड बन जाएगा और ऑब्जेक्ट में इसका मी बन जाएगा। रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक जो केस होता है उसमें क्या बन जाएगा इसका माई सेल्फ। ठीक उसी प्रकार से वी को कैसे लिखेंगे वी आवर आवर्स एस आवर सेल्फ, समझाई बात। और फिर हम बात करते हैं आगे यू के, तो यू योर योर्स यू और आगे योर सेल्फ, समझाई बात। फिर बात करते हैं दे की, तो दे देयर देयर्स देम और देम सेल्फ, समझ आ रही बात। फिर आपका ही हिज हिज, और फिर ऑब्जेक्टिव केस क्या है हिम, और फिर आपका हिमसेल्फ ओके। फिर शी हर हर्स और हर, और फिर हरसेल्फ। अगर बात करते हैं अपन आपके किसी भी सेंटेंस में, मान लो किसी भी सेंटेंस में ये वाली लाइन आपको मिलेगी, मतलब सब्जेक्ट ये रहेंगे आपके, समझेगा। तो आपको चेंज किस में करना है, इसमें चेंज करना है आपको ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्टिव केस में। तो इसका सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है हमारे साथ सामने ये वाला, राइट। तो जहां पर जिस किसी सेंटेंस में आई दिया हुआ है तो आप क्या कर देंगे बाई मी, समझेगा। वी दिया हुआ है तो क्या कर देंगे बाई अस, अगर यू दिया हुआ है तो बाई यू, और दे है तो बाय देम, ही है तो बाय हिम, शी है तो बाय हर। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट हम ऐसे चेंज करते हैं। हाँ स्टूडेंट्स अब हम इन रूल्स की हेल्प से, जैसे मैंने जो रूल्स लिखे थे ना फाइव जो रूल्स लिखे थे जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है इन रूल्स की हेल्प से, ठीक है अब हम क्या बनाएंगे कि कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए आपके सामने, जैसे ये सारे के सारे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस हैं, आप देख सकते हैं सब्जेक्ट से शुरुआत हुई है तीनों की, ठीक है। तो इन रूल्स की हेल्प से हम इनके पैसिव वॉइस बनाएंगे ओके। तो पहला रूल है हमारा ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस, ये क्या ए का मतलब एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, पहला क्या लिखा हमारा एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, ठीक है। तो द ट्री हमारा क्या है ऑब्जेक्ट है तो इसको हम क्या बनाएंगे सब्जेक्ट बनाएंगे। तो हम सबसे पहले इसकी शुरुआत करेंगे द ट्री से, किससे करेंगे द ट्री से। तो ऑब्जेक्ट को जब इधर हम लिख देंगे तो हमारा फर्स्ट जो रूल है वो सिलेक्ट हो जाएगा, राइट क्लियर है। तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ तो हमने क्या लिखा द ट्री हमारा ऑब्जेक्ट था तो हमने पहले यहाँ पे इसको लिख दिया ओके द ट्री ओके। फिर उसके बाद में है चेंज इन टेंस, टेंस में परिवर्तन करो, तो टेंस में परिवर्तन तो हम तब कर पाएंगे जब हमें पता होगा कि आपका ये जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है वो कौन से टेंस का वाक्य है। तो आप देख सकते हैं जब मैं टेंस चेंजेस इन टेंस बता रहा था तो मैंने आपको बताया था जब सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या डू या डज हो या फिर एस या ईएस हो, जैसे यहाँ पे कट्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ कट्स, तो वहां पर आपका प्रेजेंट सिंपल होता है और प्रेजेंट सिंपल को हम चेंज किस में करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इच एम एंड आर, इच एम एंड आर। अगर हमारा यहाँ आने वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तब हम क्या लगाते हैं इच लगाते हैं, अगर यहाँ पे आई आया है तो हम लगाएंगे एम लगाएंगे, अगर यहाँ पे प्लूरल आया तो हम क्या लगा देंगे क्या लगा देंगे यहाँ पे आर लगा देंगे। फिलहाल यहाँ पे क्या आएगा इज आएगा, क्यों आएगा द ट्री सिंगुलर वर्ड में यूज हुआ है तो हमने क्या लिखा ही कट्स द ट्री, इसका क्या बनाया द ट्री इज, इतना बन गया हमारा। फिर उसके बाद में बात करते हैं हमारे थर्ड रूल की, कौन से रूल की बात करेंगे थर्ड रूल की। तो थर्ड रूल कहता है कि थर्ड फॉर्म लगाओ, क्या कह रहा है थर्ड फॉर्म लगाओ। तो मैं आपको बता दूं आपके पास में जो मेन वर्ब है वो क्या है सी यू टी कट, तो कट की तीनों फॉर्म सेम ही होती है कट कट कट, तीनों फॉर्म क्या होती है सेम होती है।
तो हमें थर्ड फॉर्म का यूज करना है, तो क्या लिखेंगे हम? CUT, कट। तो क्या हमारा सेंटेंस हमारा द ट्री इज कट। ओके, आगे बात करते हैं हमारे फोर्थ रूल की। फोर्थ रूल था हमारे पास बाय लगाओ। क्या लगाओ? बाय वर्ड का यूज करो, मतलब बाय लगाओ, राइट। तो लगा देते हैं बाय, ये तो बाय वर्ड लगा दिया हमने। अगर फिफ्थ रूल की बात करते हैं हम, तो एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को किसमें चेंज करना है? ऑब्जेक्ट में चेंज करना है। तो हमारे पास हमारे एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो है ही। मैंने बताया था आपको अभी एक टेबल के रूप में, ही का ही जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट क्या बनता है? हिम। क्या बना देंगे? हिम। तो सेंटेंस क्या बन गया? देखो इधर, ही कट्स द ट्री, वह पेड़ काटता है। तो द ट्री इज कट बाय हिम, क्या बन गया हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस? द ट्री इज कट बाय हिम, पेड़ उसके द्वारा काटा जाता है। पेड़ उसके द्वारा काटा जाता है, ठीक है। आगे सेंटेंस हमारा सी इज टीचिंग इंग्लिश। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस बात करें, सी इज टीचिंग इंग्लिश, ठीक है। तो फर्स्ट रूल हमारा कहता है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, तो बना देते हैं इंग्लिश। क्या बन जाएगा? इंग्लिश, क्लियर है। सेकंड रूल कहता है टेंस में परिवर्तन करो, तो टेंस में परिवर्तन कर देते हैं। ये ऑलरेडी आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस का वाक्य है ना, इज एम आर का यूज हुआ है, इसका मतलब एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस को प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ही चेंज करते हैं। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? इंग्लिश इज सिंगुलर के रूप में इंग्लिश, तो क्या लगाएंगे? इंग्लिश इज। मैंने बताया था पैसिव वॉइस चेंज करना, सॉरी जब मैं टेंस में चेंज करना बता रहा था तो मैंने बताया प्रेजेंट कंटीन्यूअस को प्रेजेंट कंटीन्यूअस में चेंज करते हैं, बट कंडीशन ये है कि उसमें बीइंग लग जाता है, तो लगा देंगे बीइंग। तो क्या बन गया? इंग्लिश इज बीइंग। क्या लगा दिया? इंग्लिश इज बीइंग। और फिर थर्ड रूल कहता है हमारा, थर्ड रूल क्या कहता है? थर्ड फॉर्म लगाओ, तो थर्ड फॉर्म टीच की, TEACH, टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टॉट, TAUGHT, टॉट। और थर्ड फॉर्म, सॉरी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है ना। देखो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, हमें क्या है इसकी जरूरत? थर्ड फॉर्म की जरूरत है, राइट। तो सी इज, सॉरी इंग्लिश इज बीइंग टॉट, क्या लिखा मैंने? इंग्लिश इज बीइंग टॉट, ओके। फिर फोर्थ रूल हमारा क्या कहता है? बाय वर्ड का यूज करो, तो बाय लगाया आपने। और फिफ्थ रूल हमारा कहता है आपके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, तो सी का क्या बन जाएगा? बाय हार। तो बना पैसिव वॉइस। थर्ड की बात करते हैं हम, तो थर्ड हमारे पास क्या है? राहुल हैज पोस्टेड ए लेटर। क्या लिखा रखा है हमने? राहुल हैज पोस्टेड ए लेटर। क्या लिखा गया? राहुल हैज पोस्टेड ए लेटर। तो इसका पैसिव बनाए, तो ऑब्जेक्ट है हमारे पास ए लेटर। ए लेटर क्या लिखेंगे हम? ए लेटर, ठीक है। अब चेंजेज इन टेंस, सेकंड रूल क्या कहता है? चेंजेज इन टेंस। तो ये हमारा है टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज करें तो हैज का बन जाएगा हैज बीन। क्या बन जाएगा? हैज बीन। तो बन गया राहुल हैज पोस्टेड ए लेटर, तो हमने क्या बनाया? ए लेटर हैज बीन। चलेगा हमने ए लेटर हैज बीन। तो पहला रूल हमारा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट चेंज करना, और सेकंड रूल हमारा टेंस में परिवर्तन करना, और थर्ड नियम तो हमारा है थर्ड फॉर्म लगाना, राइट। तो पोस्ट ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, तो लगा देंगे पोस्टेड। तो क्या बन गया? ए लेटर हैज बीन पोस्टेड। फोर्थ रूल कहता है बाय लगाओ, लगाया। फिर उसके बाद में आपके पास में है नेम, तो नेम कभी बदलता नहीं है, वैसा का वैसा आप वहां पे लिख दो, तो बाय राहुल। तो क्या बन गया हमारा सेंटेंस? ए लेटर हैज बीन पोस्टेड बाय राहुल। अब मैंने कुछ थ्री हमने सेंटेंस डाले हैं, इनके पैसिव वॉइस हमें बनाने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा है सी टॉट मी। क्या लिखा मैंने? शी टॉट मी। तो देखो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, फर्स्ट फॉर्म आपकी क्या होती है? TEACH, टीच। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है आपके पास? TAUGHT, टॉट, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है? सी टॉट मी, उसने मुझे पढ़ाया, सी टॉट मी। तो इसका पैसिव वॉइस बनाना है यहाँ पे मी, मी ऑब्जेक्ट के रूप में हमें इसका सब्जेक्ट बनाना है, तो क्या लिखूं मैं? आई। क्या लिखूंगा? मी का मी ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या होता है? आई। तो यहाँ पे सी टॉट मी, तो क्या बना दूंगा? यहाँ पास सिंपल को चेंज करेंगे पास कंटीन्यूअस में, पास कंटीन्यूअस में एल्टीमेट थी वाज और वर, तो आई के साथ में क्या आता है? वाज, तो आई वाज, ठीक है। सेकंड रूल हो गया। थर्ड रूल हमारा कहता है थर्ड फॉर्म लगाओ, तो इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? TAUGHT, टॉट, ठीक है। तो क्या बनेगा? आई वाज टॉट। क्या लिखा मैंने? आई वाज टॉट, ठीक है। फोर्थ रूल कहता है बाय लगाओ, तो लगाया हमने बाय। फिफ्थ रूल कहता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, तो क्या बना दिया हमने? हर। तो सी टॉट मी, क्या बन गया? आई वाज टॉट बाय हर, ओके। अगला सेंटेंस हमारा राधा वाज कुकिंग फूड, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लिखो, तो क्या लिखा हमने? फूड। और फिर उसके बाद में चेंजेस इन टेंस, तो पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज करेंगे, तो वाज सिंगुलर के सेंस में क्या लिखेंगे? वाज। और पास्ट कंटीन्यूअस में हम क्या लगाते हैं? साथ में बीइंग लगाते हैं। और थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या लगाएंगे? कुक की थर्ड फॉर्म होती है कुक्ड, क्या होती है? कुक्ड। और फोर्थ नियम कहता है बाय लगाओ, ओके। और फिफ्थ रूल कहता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, तो क्या बन जाएगा? बाय राधा। तो सेंटेंस क्या बना हमारा? राधा वाज कुकिंग फूड, सेंटेंस क्या बन गया? फूड वाज बीइंग कुक्ड बाय राधा।
अगला सेंटेंस सी हैड पोस्टेड द लेटर, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, द लेटर, क्या है, द लेटर, ठीक है, सी हैड पोस्टेड द लेटर, क्या बना आपने, द लेटर, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो हैड पोस्टेड को क्या कर देंगे, हैड बीन पोस्टेड, क्या कर देंगे, हैड बीन पोस्टेड, समझ आ रही बात, ठीक है, पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज कर दिया हमने, ठीक है, तो सी हैड पोस्टेड द लेटर, हमने क्या बोला, द लेटर हैड बीन पोस्टेड, और फोर्थ रूल आपका क्या कहता है, बाय लगाओ, देखो यहां पे ये आपका फर्स्ट रूल है, ठीक है, और यहां आपका सेकंड रूल है, और यहां आपका ये क्या है, कौन सा रूल है, थर्ड रूल है, और फोर्थ रूल आपका बाय, और फिफ्थ रूल क्या कहता है, आपके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में बदल दो, तो क्या बन कर दिया, सी हैड पोस्टेड द लेटर को बनाया मैंने, द लेटर हैड बीन पोस्टेड बाय हर, ओके, तो अब मैं आपको टू सेंटेंस डाल रहा हूं, उसके पैसे उस आपको खुद को बनाने हैं, ठीक है, तो टू सेंटेंसेस देखो, जैसे हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव साथ बनाना सीखा, ठीक है, और ऐसे ही मैंने आपको टू सेंटेंस डाले हैं, पहला सेंटेंस हमारा है, शी कीप्स हर बुक्स इन अ बॉक्स, ठीक है, तो आपको उन रूल की हेल्प से, जो मैंने आपको फाइव गोल्डन रूल्स बताए थे ना, फाइव गोल्डन रूल्स, उन रूल्स की हेल्प से आपको ये सेंटेंस के पैसिव बनाने हैं, पहला सेंटेंस है, शी कीप्स हर बुक्स इन अ बॉक्स, सेकंड सेंटेंस हमारा, राधा हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है, इनके पैसिव वॉइस आप बनाओ और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बना, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप तुरंत मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजो, ओके, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच, आपका सपोर्ट ही मेरे लिए सब कुछ है, ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर, तब तक के लिए टिल दैट बाय बाय डियर।